जय साथियों, एक बहुत ही दुख भरी घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये दोस्तों एक घटना है प्रतापपुर ट्रांजिट कैंप से लेकर के एक लेह के मार्ग लेह में लेह जिले के अंदर सब सेक्टर हनीफ के लिए 26 सैनिकों की टुकड़ी फॉरवर्ड पोस्ट के लिए जा रही थी। तो दोस्तों थोएस है, वहाँ पर एक जगह का नाम है थोएस, उससे 25 किलोमीटर दूर जाने के बाद जो एक फौजी वाहन था, फौजी ट्रक था, उसने अपना नियंत्रण खो दिया और वो वहाँ पर जो शिवक नदी है 60 फुट 70 फुट गहरी शिवक नदी के अंदर जाकर गिर गया। और वहाँ पर जो उसके अंदर 26 जो हमारे सैनिक सवार थे वो बुरी तरीके से घायल हो गए। तो रेस्क्यू टीम ने उनको वहाँ से निकाला और चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तो जहाँ पर गंभीर चोटें लगने के कारण हमारे 7 सैनिक शहीद हो गए और बाकी सैनिकों का वहाँ पर अभी उपचार चल रहा है। तो सेना के मुताबिक, जो सेना के अधिकारियों के मुताबिक यह है कि जो उनको अच्छे से अच्छे उच्च क्वालिटी का उपचार दिया जाएगा। साथियों ये घटना सुबह 9 बजे की है, तब प्रतापपुर ट्रांजिट कैंप से कॉन्वाई के साथ में एक फौजी टुकड़ी, 26 सैनिकों की फौजी टुकड़ी जो सब हनीपुर सेक्टर के जो फॉरवर्ड पोस्ट है उसके लिए निकलती है। लेकिन जैसे ही वो थोएस से 25 किलोमीटर आगे पहुँचते हैं जो उनका जो ट्रक है फौजी वो किसी तरह अपना नियंत्रण खो देता है। और आप बखूबी जानते हैं कि जब ऐसे मार्गों पर जो दुर्गम मार्ग होते हैं उसमें एक तरफ पहाड़ है, पहाड़ होता है क्योंकि पहाड़ों को काट के ही रास्ता बनाया जाता है, और दूसरी तरफ गहरी खाई या गहरी नदी होती है साथियों। तो वहाँ पर यह है कि छोटी सी भी कोई चूक हो गई या कुछ भी हो गया, अगर किसी वाहन ने नियंत्रण खो दिया तो सीधा ही वो नदी में और नालों में कूद जाता है। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, ये वाहन ने नियंत्रण खो दिया और वो 60-70 फुट गहरे जो शिवक नदी है उसके अंदर उतर गया, चला गया। तो काफ़ी गंभीर चोट आई सैनिकों को और वहाँ से उनको ले जा करके जो चंडीगढ़ का एक कमांड हॉस्पिटल है उसके अंदर उनको भर्ती किया गया है। लेकिन जब वाहन गिरा तो काफ़ी वहाँ तक जो काफ़ी गंभीर चोट आने की वजह से 7 सैनिकों को वहाँ पर मृत घोषित कर दिया, यानी कि उन्हें शहीद हो गए वो अपने देश के लिए। तो सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और इस असहनीय दुख को झेलने की उनके परिवार वालों को भगवान शक्ति प्रदान करे, शक्ति दे।